इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री ऐसे मस्त बूम कर रही है और हमने भी सोचा आपके लिए एक्सपीरियंस वाली वीडियो बनाएं। और गेमिंग गैजेट से मेरा अपना ही अलग लेवल पे प्यारे भाई, क्योंकि व्यूज सही आ जाते हैं। तो यहाँ पे दो मोबाइल कूलर से पहला वाला है आर्टिक प्रो, थोड़ा सा महंगा है ये, और उसके बाद है आर्टिक, ये थोड़ा सस्ता वाला है। और दोनों को हम लोग मस्त प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे थे और मुझे काफी सही लगा। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, दोनों को एक साथ अनबॉक्स कैसे किया जाए। हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, कभी कभी असफलता का नमक चखना पड़ता है। मजाक के बाद साइड में भाई, कल मजाक कर लेंगे, अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ऑनेस्टली इनकी पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी भाई, ऐसा लग नहीं रहा कि 1000 रुपए और 1500 रुपए का प्रोडक्ट में अनबॉक्स कर रहे हैं, लेकिन पैकेजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की टेस्टिंग हम करके दिखाएंगे। इस बार दोनों एक साथ अनबॉक्स करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला निकालता हूँ मैं, जो महंगा वाला था, इसका नाम है आर्टिक प्रो। महंगी बातचीत लग रही है इनकी पैकेजिंग में। तो बॉक्स के अंदर एक टाइप सी केबल है, काफी अच्छी क्वालिटी का यार ये, और काफी लंबा सा है भाई, देख रहे हो काफी लंबा है। 3 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी और मिल जाएगी आपको जब इनका आप स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। और यूजर गाइड है, और ये वाला आर्टिक है, ये सस्ता वाला है, 900 रुपीज का। ओ भाई, अनबॉक्सिंग तो बहुत मेहनत वाला काम है यार। एक टाइप सी केबल है और इसका साइज काफी छोटा सा है, क्योंकि ये एक वायरलेस कूलर है और इसके अंदर बैटरी, आपको कोई भी तार का झंझट नहीं चाहिए। साथ के साथ इसके अंदर वही सेम यूजर गाइड और आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। ये वो दोनों प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करते हैं बड़े वाले की। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी में काफी सही से लगी, जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना वो भी अच्छी, एक भारी सी क्वालिटी है। इवन जो इसका क्लिप है ना, उसमें भी आपको मेटल यूज किया गया है इसके अंदर, और जो इसका कूलिंग पैड है फुल मेटालिक है, तो काफी अच्छी सी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी आपको। नीचे में टाइप सी का पोर्ट है और कोई भी बटन नहीं है इसके अंदर। और इस सस्ते वाले की बात करें तो इसके कंपैरिजन में इसका जो प्लास्टिक है थोड़ा सा डिसेंट है, और जैसे क्लिप है काफी हार्ड सा है, लेकिन भाई प्लास्टिक का है और अंदर से स्प्रिंग की आवाज आ रही है। वैसे इस छोटे वाले से ज्यादा है कि अपना छोटा यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल आ चुका है भाई, जाके सब्सक्राइब करो। उसके ऊपर एक गिव अवे चल रहा है हेडफोन का, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, भाई जाके सब्सक्राइब करो। अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं यार। तो टेस्टिंग शुरू करते हैं इसकी, उससे पहले फिटिंग चेक करते हैं भाई। अगर आपके पास छोटा फोन है, मोटा फोन है, लंबा फोन है, चौड़ा फोन है, कोई भी फोन है, और शेप में नीली पीली सतरंगी और चितकबरी चड्डी, रात के राजाओं के लेडीज को वाली चड्डी, सबकी टेस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास भी काफी सारे फोन है यहाँ पे। बड़े वाले भैया की नपाई की जाए, नॉट सी में फिट, iPhone 12 में फिट, Realme XM Max में फिट, पुराने iPhone 10 में भी फिट हो रहा है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी आने वाली है। IQOO Z3 में भी काफी अच्छा फिट हो रहा है, और अपना OnePlus 9RT इसके ऊपर फिटिंग काफी परफेक्ट है। और इवन की दोनों कूलर्स में जो क्लिप है ना, इसके ऊपर आपके यहाँ पे कुशन अच्छा दिया हुआ है, तो आपके फोन पे स्क्रैच या डैमेज नहीं आएगा। और अब बात करते हैं छोटे वाले की। अगेन अपना छोटा मोटा लंबा शुरू करते हैं। छोटे वाले भैया पे फिटिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी आ रही है, क्योंकि इसका जो आपको यहाँ पे क्लिप है थोड़ा सा लंबा है भाई। iPhone फिट अच्छा आ रहा है, OnePlus 9RT Nord CE इसमें भी अच्छा फिट हो रहा है भाई। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि फिटिंग में कोई भी इशू नहीं आने वाला आपको। अब बात करते हैं थोड़ा सा कूलिंग वूलिंग की, तो गेम स्टार्ट करते हैं। सो अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअल टेस्टिंग इसकी। और यहाँ पे हमारे पास दो फोन है, दोनों में PUBG में ऑलमोस्ट आधे घंटे से खेल रहे थे भाई। तो सबसे पहले टेम्परेचर लेते हैं, ये IQOO Z3 और इसका टेम्परेचर अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 30.9 हो रहा है इसका टेम्परेचर। अभी भाई सर्दी का दिन है, फोन उतना हीट नहीं हो पाता। और ये Realme X7 है, इसका टेम्परेचर हो रहा है ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस। Realme X7 में आर्टिक प्रो लगाते हैं यहाँ पे, और IQOO Z3 में ये छोटा वाला लगा देते हैं। ये जो वायरलेस वाला है, इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है, बस एक बटन दबाओ और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 लेवल ऑफ फैन है इसके अंदर, और स्टार्ट कर दिया हम लोग ने। अभी ऑलमोस्ट 10 सेकंड हुआ इसको स्टार्ट करते हुए, 5 मिनट रहने देते, देखते हैं कितना टेम्परेचर कम करता है ये। और जो बड़ा वाला आर्टिक प्रो, इसमें वायर कनेक्ट करते ही ये ऑन हो जाता है, और इसमें RGB लाइट से भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 527 हो रहा है। इन 5 मिनट से मैं और वरुण गेम खेलते रहेंगे भाई, तो स्टार्ट करते हैं गेम खेलना। इनिशियल 5 मिनट कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा टेम्परेचर ले लेते हैं इसको हटा के। Realme X7 33 डिग्री सेल्सियस पे था, टेम्परेचर लेते हैं 23.4, ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में कम किया इसने। Realme X7 के साथ हम लोगों ने बड़ा वाला कूलर आर्टिक प्रो ट्राई किया हुआ था, जहाँ पे सरफेस था इसका ये देखते हैं एक बार, बहुत ज्यादा ठंडा हो रखा है भाई ये 15.9 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। और बॉडी टेम्परेचर ले लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस आया हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली मैं इसका डिजाइन दिखाऊं मैं आपको, बहुत ही सिंपल सा डिजाइन है इसका। जो इसके फैन ग्रिल्स है बॉडी को ठंडा करते हैं यहाँ से और राइट से एंड लेफ्ट से, और जो थर्मल कूलिंग है एक्चुअली आपको जहाँ पे आप लगाते हैं वहाँ पे ठंडा करता है। और इसको फिट करने के बाद गेमिंग एक्सपीरियंस में एज सच कोई इशू नहीं आता है, बस आपको यहाँ पे वायर कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप आराम से खेल सकते हो। इवन की अगर आप ट्रिगर से ऐसे लेके खेलते हो तो एज सच कोई इशू नहीं आता है, और आप आराम से ट्रिगर के साथ भी खेल सकते हो। छोटे वाले की बात करते हैं, पूरा वायरलेस है। इसमें एक इशू है कि जो इसका ऑपरेशन है उतना साइलेंट नहीं है, अगर आप देखो तो आवाज आएगी। और जिसका फैन आपको 3 लेवल पे काम करता है, ये ऑफ हो गया लेवल 1,
लेवल 2, लेवल 3 और टाइप सी चार्ज होता है और फुल चार्ज पे आपको 5 घंटे चल जाता है। 5 घंटे गेमिंग भाई काफी ज्यादा होती है मेरे हिसाब से, और अगर 5 घंटे कम लग रहे हैं तो आप लगा के चार्ज करते करते आप खेल सकते हो। और इसके अंदर डायरेक्ट फैन ऑपरेशन है, कोई भी थर्मल कूलिंग नहीं है। जैसे इसके अंदर थर्मल कूलिंग है लेकिन छोटे वाले में थर्मल कूलिंग नहीं है, तो ये छोटा सा डाउनग्रेड है इसके अंदर, लेकिन इसकी प्राइसिंग में थोड़ी सी कम है और ये वायरलेस है। और अगर फोन के टेम्परेचर की बात की जाए तो IQ Z3 में यूज किया था हम लोग ने, इसका टेम्परेचर पहले ही से 30 डिग्री था, जहां पे फैन लगा हुआ था वहां पे आपको 27.3 आ रहा और बॉडी 28.7, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो इसका यूजर एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेटर लगा मुझे, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है और इसका जो फैन है थोड़ा ज्यादा फास्ट चलता है। और इसके अंदर कोई भी फैन ग्रिल्स नहीं है तो आपको पूरा अंदर से ऑपरेशन होता है, लेकिन फैन इसका थोड़ा सा ज्यादा फास्ट चलता है और नॉइज भी करता है थोड़ा। सो अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो दोनों कूलर हमने ट्राई कर रखा है। अगर इन जनरल कूलर्स की बात की जाए तो कूलर का काम होता है कि आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस और टेम्परेचर को एकदम स्टेबल रखे, और यहाँ पे ये अपना काम डिलीवर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 28-29 डिग्री का सेल्सियस अगर आपको स्टेबल रखता है, और अगर मैं अपने गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो छोटा वाला जो आर्टिक है 1-2 घंटे आप गेम खेलते हो सेम टेम्परेचर मेंटेन करेगा, और टेम्परेचर मेंटेन करने से होता है आपकी परफॉर्मेंस में इश्यू नहीं आता है। जो बड़ा वाला आर्टिक पूरा थोड़ा सा ज्यादा ठंडा करता है, मतलब कि इसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट कह सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस को स्टेबल रखता है ये। लेकिन अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात की जाए मुझे छोटा वाला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है और इसमें कोई भी तार वार नहीं लगाना पड़ता है। काफी तगड़ा प्रोडक्ट हो सकता है और आप बिना तार के मस्त गेमिंग कर सकते हो। छोटे वाले आर्टिक की प्राइस 900 पड़ेगी आपको, और बड़े वाले आर्टिक प्रो की प्राइस 1299 पड़ेगी। लेकिन अगर आप हमारा टेकू 15 कूपन कोड यूज करोगे तो 15% का और डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड लगाने के बाद छोटा वाला आपको 765 पड़ जाएगा। 765 में काफी वर्थ इट है। हमारे 15% डिस्काउंट के बाद आर्टिक प्रो की प्राइस 1105 पड़ेगी आपको। इस प्राइस का दोनों ही प्रोडक्ट काफी वर्थ इट है। तो बस इतने ही रखते हैं इस वाले वीडियो के लिए। आपके गेमिंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकते हो आप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन विद आवर कूपन कोड, जाके खरीदो भाई और एंजॉय करो अपनी गेमिंग को। इस वाले वीडियो को लेते हैं तो आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वाले चैनल को, और भाई यूट्यूब शॉर्ट्स को भी जाके चेकआउट कर लेना, वहां पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद बाय।